दोस्तों, मैं एलपी जोशी स्वागत साथ एक बार फ्रेज आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस का, टॉरस वालों लोगों का, जो लोग वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए। आप राशि से और लगन से दोनों से देखें चीज़ को, तो इन लोगों के लिए साल किस तरीके का रहेगा 2024। तो आज के इस वीडियो में हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ मैं कि इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना जिससे आपको जानकारी बिल्कुल सही मिल सके। तो सर्वप्रथम बता दूं कि ये साल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही एक क्रिशुअल तो नहीं बोलूँगा, बट ये है कि बहुत ही एक इफ़ेक्टिव साल होने वाला है, बहुत ही अच्छा साल होगा, क्योंकि इनको इस बार इस साल में प्रोग्रेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर हम जॉब बिजनेस वॉट एवर जो भी आप करते हैं, आपको उसमें अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकती है। बस आपको अपना थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखते हुए चलना है, गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी है, मांगलिक कार्य और घर परिवार में कुछ दिक्कतें ज़रूर आएंगी, ये है कहीं ना कहीं दिख रहा है। बाकी देखूं तो रिलेशनशिप्स नए लोगों से बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं इनकम सोर्स जनरेट कहीं ना कहीं होगा, एक्सपेंडिचर थोड़े ज़्यादा होंगे, धार्मिक स्पिरिचुअल ज़्यादा माइंडेड हो जाएंगे आप, ये सारी चीज़ें, और यात्रा के भी लाभ आपको मिलेंगे इस साल में। और कहीं ना कहीं 10th हाउस में शनि आ रहा है और आपके शनि से नेक्स्ट राहु बैठे हैं, तो फाइनेंशियल कंडीशंस तो सुधरेगी, पर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना। और 11th हाउस में जब राहु होता है तो गेंस जरूर करवाता है, पर कहीं ना कहीं राहु से आप देखेंगे तो नेक्स्ट हाउस में गुरु भी है, तो कई बार गलत चीज़ों में भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और भी चीज़ें कंसेप्ट लगाए मैंने, पर यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। पार्टनर का थोड़ा बहुत हेल्थ का ख्याल रखते हुए चलना, बाकी अगर रिलेशनशिप्स के मैटर में देखें फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा साल है, और अपने हेल्थ का मेन ध्यान रखना है, जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है, और अपना भी ब्लड रिलेटेड, और गाड़ी वाड़ी थोड़ी बहुत सोच समझ के चलानी है, और स्पेशली अपने सर वाले पार्ट का, और कहीं ना कहीं पेट से नीचे का थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको चलना है। कहीं ना कहीं नया घर लेने के भी योग बनेंगे आपके, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस जॉब में देखने को मिलेगा, मेहनत ज़्यादा एफर्ट्स होंगे बट इफ़ेक्टिव कह सकते हैं कि प्रोग्रेशन भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना वृषभ राशि वाले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।